नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल भारत का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले न्यूनतम आय का वादा क्या किया, देश में इस पर अधिकतम सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस जहां इस योजना को मास्टर स्ट्रोक कहते नहीं थक रही, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का चुनावी नाटक करार दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए यहां तक कह दिया कि जिन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं वो गरीबी को क्या मिटाएंगे। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने गांधी परिवार के सियासी इतिहास पर भी तंज कसा। राहुल गांधी ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होने से पहले ही ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है तो देश के करीब 20% परिवारों को आय की गारंटी मिलेगी, लेकिन बीजेपी इस वादे को लेकर खासी हमलावर है। ऐसे में हमारा आज का पहला सवाल, भारत का आज का पहला सवाल, अब की बार क्या गरीबी पर घमासान? भारत का पहला सवाल, अब की बार क्या होगा गरीबी पर घमासान? तो एक तरफ ये जंग जारी है, दूसरी तरफ और भी मारामारी चल रही है, खासकर बिहार में टिकट को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा मतभेद बीजेपी में ही खुलकर नजर आ रहे हैं। पटना साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी मोल लेकर बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को टिकट थमाया, लेकिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर के सिंह के समर्थकों ने उन्हें गो बैक रविशंकर सुना दिया। पटना एयरपोर्ट पर आज काफ़ी हंगामा हुआ, तो वहीं गिरिराज भी नाराज, उनकी नाराजगी भी अब तक खुलकर सुर्खियाँ बटोर रही है। विरोधी गिरिराज पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल, भारत का दूसरा सवाल, चुनाव सर पर बिहार में क्या बवाल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए कि अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय के वादे पर क्या कहा। जवाहरलाल नेहरू कहते थे इस देश में से गरीबी हटाएंगे, हटी क्या? जरा जोर से बोलो, हटी क्या? बाद में इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, हटी क्या? बोलो भैया, हटी क्या? राजीव गांधी आए, कहा गरीबी हटाओ, हटी क्या? गरीबी इन्होंने देखी ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब से गरीब घर में चाय बेचने वाले लड़के को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनाने का काम। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव से पहले अपनी इस योजना का ऐलान कर चुके थे। राहुल गांधी ने कल क्या कहा था, एक बार ये भी सुन लीजिए। हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को, तो गरीबी पर घमासान सा मच चुका है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है डिबेट के लिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार, हमारे राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू के प्रवक्ता, रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आलोक शर्मा के पास चलूंगी। आलोक जी, अमित शाह कहते हैं कि जिन्होंने राहुल गांधी के जो कल राहुल गांधी ने ऐलान किया उस पर अमित शाह ने आज ये तंज कसा है कि जिन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं वो क्या गरीबी हटाने की बात करते हैं, वो क्या गरीबी हटाएंगे, ये सिर्फ एक पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर तथ्यों पर बात होनी चाहिए। 2016-2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार का है, मोदी जी की सरकार में आया है, वो स्वयं कहता है कि जिस तरह से 70% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे 1947 में, आज मात्र 2011-12 के अगर आंकड़े देखें, उसके बाद आंकड़े नहीं आए हैं प्रॉपर, उसमें 22% हैं। 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इंदिरा जी के समय पर, उस समय देश की आबादी 57 करोड़ थी, 57 करोड़, और आज की तारीख में 130 करोड़ में से लगभग 107 करोड़ लोग अबाव पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से ऊपर है। तो अमित शाह साहब, आपकी सोच, आपके इकोनॉमिक्स, आपके फंडे
केवल चुटकी लेने तक चल सकते हैं, उसके आगे नहीं चल सकते हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए कि आप जो ये योजना हम हमारी सरकार आने के बाद लेकर आएंगे अमित शाह जी, आप इसके पक्ष में हैं या विरोध में? सीधा सीधा सवाल। जहां तक बात है कि हमेशा से विरोध करना, ये वो लोग हैं। एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं शीतल जी, जी। हरित क्रांति जब आई थी पंडित नेहरू जी के समय पे, तब इन लोगों ने जनसंघ ने विरोध किया। राजीव जी के समय में कंप्यूटर और आईटी क्रांति आई थी, उस समय पर सबसे पहले बीजेपी ने विरोध किया। 1991 में मनमोहन सिंह जी जब ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लेकर आए, तब कहा इन्होंने देश बेच दिया। मनरेगा जिस समय पर मनमोहन सिंह जी के समय पर आया, तो आपको मोदी जी का वाक्य याद होगा कि जीता जातक स्मारक है, उसमें 20% रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। लैंड एक्विजिशन बिल हो, फॉरेस्ट राइट बिल हो, फार्मर्स के लोन को हटाने की बात हो, मुझे लगता है कि हमेशा से ये लोग जब सत्ता पक्ष में होते हैं तब कुछ और भाषा होती है, विपक्ष में होते हैं दूसरी भाषा। चलो ठीक है, अब आपने विपक्ष जो में सवाल होते हैं तो जीएसटी जो है इनको बहुत बड़ा आडंबर नजर आता है, है। कि जीएसटी जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, मोदी जी के भाषा है ये। ओके, आधार ओके, जो है वो देश की अस्मिता के ऊपर है, आरएसएस का वाद है। मुझे लगता है कि बीजेपी को अपना पूरी तरह से गृहबान में झांकना चाहिए। ठीक है ठीक है आलोक जी, पूरा घंटा है, पॉइंट पर बात करेंगे। अभी जो बात आपने कही, मैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल से इस पर जवाब लूंगी। आज सुबह से कांग्रेस यही कह रही है रोहित, वो पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी गरीब विरोधी है, हमारी न्याय योजना से परेशानी क्यों और आखिर क्यों? देखिए, देश को पता है कांग्रेस जो देश विरोधी गरीब विरोधी कौन है। देखिए, देश ने देखा है जिस तरह में देश आज़ाद हुआ, जब नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, क्या कहा, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ। उसके बाद सोनिया जी आई, राजीव जी आए, फिर सोनिया जी आए, राहुल जी भी अब वही बात कर रहे हैं, प्रियंका जी वही बात करेंगे, और वो भी बात। देखिए, जिसने कभी गरीबी देखी नहीं हो, जिस परिवार ने, वो क्या गरीबी हटाएगा? जिसने गरीबी देखी है, जिसने महसूस की, जिसने गरीबी को जिया है, नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने गरीबी हटाने के लिए लगातार प्रण लिया है। और आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर देने का काम एक गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया हो, 1.5 करोड़ लोगों को आवास दिया हो, चाहे 9 करोड़ महिलाओं को सम्मान देने का काम शौचालय बनाकर दिया हो, उस घर के अंदर शौचालय बनाकर दिया हो। इतना ही नहीं, आप ये देखिए, 6 करोड़ LPG सिलेंडर देने का काम, एक माँ के आंसू पहुँचने का काम उस प्रधानमंत्री ने ही किया, क्योंकि उसने अपनी माँ को चूल्हा जलाते हुए देखा है। लेकिन वो ये पूछ उतना रहे ही नहीं कि जिसने जिसने कभी वो ये पूछ जिसने रहे कभी कि जिया ही नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं शीतल जी इनकी इन्होंने तथ्यों की बात की, मैं तथ्यों पर ही आ रहा हूँ। देखिए, अभी बात यहाँ पर यह है कि मैंने तो बताया ना, गरीबी किस तरीके से हटती है, कांग्रेस के हिसाब से हटती है। जो 60 साल में कांग्रेस की 4 पुश्तें हटा नहीं पाई, इस तरीके से गरीबी हटी। गरीबी हटेगी जब उसको घर से लेकर और बाकी सुविधाएं दी जाएंगी, एक बात। लेकिन उन्होंने बड़ी बात की 72,000 रुपये। आज अगर आप 51 जो पूरी जो जो अपनी मिनिस्ट्रीज हैं और उनके द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है, जिसको बिलो द पॉवर्टी लाइन कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी, 27 रुपये, और जो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में शहरों में 33 रुपये जो है वो गरीब नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना था, इनकी यूपीए सरकार का कहना था, एक बात। दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस पार्टी की मान लें तो आज अगर जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, वो 1,06,800 रुपये सब्सिडी के द्वारा गरीबों के खातों में ट्रांसफर हो रहा है। तो आप एक बात बता दीजिए, क्या ये लोग उसको खत्म करने वाले हैं, और कहां से ये लोग सब्सिडी देंगे? आज देश की जनता ये पूछ रही है। 60 साल तक इतना ही नहीं, किसानों का कर्ज माफी की बात थी, मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि यही वादा इन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं से किया था कि हम जब आएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, तब आपको जो है मिनिमम हम आपको इनकम देंगे। मध्य प्रदेश में कितनी इनकम दे दी आज मुझे आलोक जी यहाँ पर बता दीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में अभी जिस तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं, जनता अपना वोट देगी। हमें तो मात्र 4 महीने हुए आए हैं, 15 साल आप शासन पर आपने 10 दिन कहा था, एक सेकंड, लेकिन आलोक जी आपने 10, राहुल गांधी ने 10 दिन कहा था, 10 दिन में 10 दिन कब की बात कही थी राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के लिए? मैं समझता हूँ जो चीजें 10 दिन में कही गई थी वो 10 दिन में पूरी हुई है, और अगर पूरी नहीं होगी तो जनता वोट नहीं देगी। युवाओं को कितना पैसा मिल रहा है मध्य प्रदेश में, आलोक जी को बता दे, तथ्यों पे बात कर लेते हैं। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, अरे भाई सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज नहीं बोला मैं, हम केवल ये कहना चाहते हैं। आपने कहा 9 करोड़ शौचालय बना दिए, 23 करोड़ लोगों को आपने पता नहीं क्या कर दिया है, 37 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को आपने बिजली पहुंचा दी, जहां पे 1,06,000 रुपये आज ट्रांसफर हो रहे हैं। अरे प्रभु एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 16 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। अरे इस देश के अंदर 23 करोड़ परिवार हैं, आपका जो कैलकुलेशन है वो 40 करोड़ परिवारों का हो गया है।
तो अपने थोड़े डाटा ठीक मैं बता देता हूँ कैसे हुआ है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ आप कहते थे मैं आपका डाटा ठीक कर देता हूँ, 27 रुपए कहते थे करीब अर्बन रूरल एरिया के, 33 रुपए अर्बन एरिया का, आज उसको बढ़ाया है इसलिए शायद अपना करेक्शन करने जा लोग रोहित जी आप काफी विद्वान हैं, अगर आप डाटा अगर सही से करते तो मुझे लगता लेकिन आप इतना बौखला क्यों रहे मुझे नहीं। और अगर आप पॉवर्टी लाइन से अगर आप 10 आप कह रहे 7000 रुपए चाहता हूं रोहित जी बिहार के अंदर। अरे रोहित जी सुन लो फिर मैं अवधेश जी के पास आऊंगा। रोहित जी एक मिनट, शीतला जी कौन सा तरीका हुआ शीतल जी? चलो आलोक जी आप बोलिए। शीतल जी को स्टूडियो में बैठा इसका मतलब बार बार बोलिए। अच्छा आलोक जी बोलिए ना। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, रोहित चहल जी यहाँ बैठे हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, जाने से पहले एक घंटा होने से पहले शो खत्म होने से पहले इस सरकार की गरीबी रेखा की डेफिनेशन क्या है वो बता के जाइएगा। मैं अभी बता देता हूं, नीति आयोग 4.5 साल में गरीबी रेखा की डेफिनेशन तय नहीं कर पाया। गरीबी की रेखा की डेफिनेशन बता देता हूं, वेबसाइट पे चले जाइए। क्या है हमारी जो डेफिनेशन है, एक गरीब को घर देने की हमारी डेफिनेशन है, जो 1.5 करोड़ घर दिए गए हैं हमारी गरीबी की डेफिनेशन है, जिस घर को उसको आयुष्मान भारत के तहत मुझे केवल गरीबी रेखा की परिभाषा बता दीजिए सरकार की क्या है। चुपचाप बैठा हूं, गरीब की डेफिनेशन है जिस घर में बिजली नहीं थी, ऐसे 2 करोड़ घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया है, परिभाषा क्या है, गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, ये हमारी गरीबी की डेफिनेशन है जो 6000 रुपए किसानों को दिए गए हैं, तो किसान था वो हमारी गरीबी की डेफिनेशन है। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अवधेश शीतल जी इनसे पूछिए गरीबी रेखा की परिभाषा क्या है। आपकी गरीबी की परिभाषा देखी थी 27 रुपए 33 रुपए। देखिए ऐसा है कि अगर परिभाषा आपकी गरीबी रेखा की परिभाषा क्या, जरा ये बता दीजिए। अभी बताया है, मैं दोबारा से गिनाना शुरू कर रहा हूँ। 4.5 साल में आप परिभाषा तय नहीं कर पाए। हमने 4.5 साल में गरीबियों को गरीबी रेखा से नेशनल, आप ये देखिए कि हमने गरीबों को पूरा उनको जो सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधाएं दी हैं। आपने गरीबों को सिर्फ गड्ढे खुदवाए। आप क्यों फंस रहे हैं उनकी बात में? ऐसा है आलोक शर्मा के बात में मत फंसिए, नहीं तो आपका 1 घंटा निकल जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आलोक जी के बात में मत फंसिए। आपसे परिभाषा देखो, परिभाषा से अगर गरीबी तय होगी और उसके आधार पर रास्ता निकलना होता तो पहले कमिटी से लेकर के और 2012 तक की कमिटियां बनती रही और गरीबी की परिभाषा तय करती रही। आलोक जी के शासनकाल में अंतिम 2012 में सी रंगराजन के काल में एक कमिटी बनी जिसने 32 रुपया ग्रामीण और 47 रुपया शहरों के लिए गरीबी की रेखा बना दी, उसके आधार पर 22% मान लिया गया। तो ये जो सवाल है कि ये परिभाषा जो है ये मैं तो इस हमेशा से इस बात के विरुद्ध रहा हूं कि गरीबी के इस प्रकार की परिभाषा और आंकड़े तय किए जाएं। ये बिल्कुल ये गरीबी का उपहास उड़ाना रहा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए गरीब बेकारी उसकी जो अपनी वेदना होती है तो गरीबी रेखा का तय तो करना पड़ेगा। ऐसा है अब मैं ऐसा है नहीं नहीं चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं, गरीबी रेखा को तय नहीं करेंगे क्या सरकार? नहीं, क्या क्या जरूरत है तय करने की? ये गरीबी रेखा तय होगी वो तो इंटरनेशनल ने भी तय रेखा को तय ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बने बनाए ढांचे से बाहर निकल के गरीबों के बारे में सोचना पड़ेगा। रेखा का कोई मायने ही नहीं कि एक रेखा आंकड़ों की बाजी करे, एक रेखा खींच दो। सर ऐसा है जब कितने उत्तर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक घंटा हम दोनों भाई में बीत जाएगा लड़ते हुए, आपको भी मालूम है। नहीं पर आंकड़ा तो चाहिए ना। नहीं नहीं आंकड़ा सवाल आंकड़े के बगैर सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने आंकड़े निकालने शुरू किए इन्हीं की सरकार न थी जब 1957 से गरीबी रेखा जिस मेथोडोलॉजी से आज तक गरीबी रेखा तय की जाती रही वो मेथोडोलॉजी भारत की प्रकृति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की परिवार व्यवस्था, यहाँ की संस्कृति उसके विरुद्ध रही है। पश्चिम में इंडिविजुअल को गिना जाता था, भारत में एक परिवार का सिस्टम रहा है। इसको इसको नेताओं ने सोचा ही नहीं कि अच्छा, हमारे पिताजी अगर 84 साल के हैं, उनकी एक नहीं नहीं पहले समझ लो इसको हाँ। उनकी एक पैसे आमदनी नहीं है। मैं अगर 50,000 कमाता हूं तो हमारे पिताजी गरीब हो ही नहीं सकते हैं।
तो इसको सोचा ही नहीं गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एक 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 1.9 डॉलर का आंकड़ा आता है 134 रुपया, उसके नीचे आने को गरीब माना जाता है। मैं तो बिल्कुल उससे भी सहमत नहीं, लेकिन वो भी मान चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही पॉइंट पे इतना नहीं। मेरा सीधा सवाल आलोक जी से, फिर मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास भी आऊंगी। मेरे दिमाग में एक पुराना स्टेटमेंट कौंध रहा है इस बीच, जो राहुल गांधी का है। क्या यही राहुल गांधी नहीं थे आलोक जी जिन्होंने एक समय कहा था कि गरीबी एक माइंड सेट है, गरीबी एक माइंड सेट है? देखिए मैं, और आज आपका प्रमुख प्लैंक जो है चुनावी, वो गरीबी हटाओ हो गया। उसका एक पहलू है, नहीं नहीं नहीं, केवल उसका एक पहलू है। वो बात उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। गरीब कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, माइंडसेट के ऊपर है। एक व्यक्ति 100 रुपए कमाकर कहता मैं अमीर हूँ, एक व्यक्ति 2000 रुपए रोज कमाकर कहता मैं गरीब हूँ। एनालाइजेस आपका, उन्होंने मैं कहता हूँ कंपैरेटिव माइंडसेट है, सब जस्ट। लेकिन हम केवल ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम के खिलाफ है क्या? क्या 72,000 रुपए अगर गरीब के अकाउंट में जाएंगे तो बीजेपी को इतना पेट में दर्द क्यों है? ये केरकेली साहब बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? इतने गरीब को खत्म करके 72,000 रुपए करना चाहते हैं, जो दो तिहाई से भी कम है ऑलरेडी जो जनता को मिल रहा है, उसको कम करना चाहते हैं। आप सिर्फ वही काम करना चाहते हैं, मंगरे का मंगरे, एक रुपया सब्सिडी खत्म नहीं होगी उसमें। आप 40 करोड़ एक रुपया डायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी ना इनडायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी। अच्छा, और उसके अतिरिक्त न्यूनतम 12,000 हम ये निश्चित करेंगे। लेकिन अमित शाह जी को आपने कहा कर्ज माफ कर देंगे, ना मध्य प्रदेश का हुआ, ना पंजाब का हुआ, ना कर्नाटका का हुआ। अरे भाई वो तो मोदी जी की स्टेटमेंट, थोड़ा शांत हो जाइए आलोक जी, थोड़ा शांत हो जाइए। शांत नहीं होंगे आलोक जी को पता है, थोड़ी सी शांति बनाइए आलोक जी। आलोक जी थोड़ी सी शांति बनाइए, मैं थोड़ा इसको विस्तार में ले जाना चाहूंगा। कि पिछले 55 साल में राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है। एक सवाल है आलोक वर्मा जी, ये दो हिंदुस्तान बना किसके राज में? गरीब और गरीब कैसे हुआ और अमीर कैसे हुआ? आपके पिछले 10 साल की सरकार का अगर थोड़ा बहुत कच्चा चिट्ठा खोलूं तो आपके राजबब्बर कहते हैं 10 रुपए में होल्ड कीजिए, 10 रुपए में खाना मिल जाता है। गरीबी माइंडसेट है बेसिकली। ये गरीबी का जो फुटबॉल की तरह मजाक उड़ाते रहते हैं ना, गरीब गरीब गरीब, ये बहुत तेजी से फैलाते हैं आप इस गरीब शब्द को, और लंबी राजनीति आप गरीब शब्द पर कर रहे हैं। और आपको जानकारी दूं, कम से कम सरकार ने और गरीबों को सोचा, जिनको गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाया, जिनको शौचालय घर तक पहुंचाया, जिनको गर्भिणी महिला को 6,000 रुपया महीना दिया, आपने कभी सोचा नहीं था। और कितने गरीबों को आप टिकट देते हैं, वंशवाद से भरी पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी आपकी वंशवाद से भरी पड़ी है, खानदानी कांग्रेसी चल रहे हैं, वो इस देश की गरीब की बड़ी चिंता करती है, ये देख करके हैरत होता है। बेसिकली आपकी योजना पे शक नहीं है, आपकी मंशा और पूरी मानसिकता पे शक है कि गरीबों का ये फुटबॉल बना करके आप ठीक चुनाव के पहले एक ऐसा जुमला फेंकते हैं जिससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बौखला चुकी है कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव के पहले चुनाव हार चुके हैं आप। 2019 के आपकी भाषा आपकी मंशा ये बताती है कि चुनाव के पहले ही आप चुनाव से खिसक चुके हैं, हार चुके हैं। इस पर रिएक्शन आलोक जी, 72,000 रुपए नहीं, आप थोड़ा और बढ़ाइए, बढ़ा सकते थे आप। बीच में लाऊंगी, केवल एक चुनावी जुमला शायद ये फेंक दिया है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, ऐसा इनका मानना है। इस पर जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें गिनवाई, मनरेगा को भी चुनावी जुमला कहा था, जब 62,000 रुपया किसानों का कर्ज हमने 62,000 करोड़ माफ किया तब भी कहा था कि ये हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है बीजेपी जब जब सत्ता पक्ष में होती है और विपक्ष में होती है, इसकी हमेशा से अलग विचारधारा रहती है। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने वंशवाद की कहा, इनको शिवसेना का वंशवाद नहीं नजर नहीं आता, इनको किसी तरह से अकालियों का नहीं आता। 18 मंत्री केंद्र में ऐसे हैं जिनके बच्चे या तो एमएलए हैं या एमपी हैं, उनको नजर नहीं आता। खैर इनकी मानसिकता हो सकती है, इन्होंने कहा कि ये किसके राज में हो गया। भाई 5 साल पहले 1% पॉपुलेशन के पास 69% रिसोर्सेज थे, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा बता रहा हूँ मैं। एक मिनट प्रभु, एक पूर्व 1% पॉपुलेशन के पास 2014 में 69% रिसोर्सेज थे,
और 2018 के अंदर चार साल के बाद 1% पॉपुलेशन के पास 73% रिसोर्सेज हैं। मध्य प्रदेश तो रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन इसके शासन काल में ज्यादा हुआ, जरा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा घर के अंदर जाकर। 2600 करोड़ रुपए अभी तक किसानों को बकाया दिया गया है। सुनिए मध्य प्रदेश के अंदर सुनिए ना, सिर्फ 3000 करोड़ सुनिए ना, आप जरा सुनिए गया है नहीं सुनिए। और आप पंजाब की बात कर ले, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से लेकर और तमाम चीजें आज तक जो भी हुई है मनरेगा से लेकर, वो कांग्रेस पार्टी ने ही दी। अरे सूचना का अधिकार और राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी भी, तीनों कानून हमने कराए हैं, आप नहीं लेकर आए। जनता को एक अधिकार देने का कोई कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया तो उसका नाम बता के जाइएगा। अरे घर तक नहीं, गरीबी रेखा तो नहीं बता पाएंगे रोहित भाई जो है पूरे एक शो के अंदर, लेकिन आप मुझे केवल ये बता के जाइएगा कि वो जो सिलेंडर थे वो कितने रिफिल हुए हैं। पार्लियामेंट में लिखित उत्तर दिया गया है कि मात्र 27% सिलेंडर जो है वापस रिफिल हुए। आपको मालूम है बात का? नहीं मालूम होगा। सिलेंडर बनाने की कंपनी कौन से मंत्री के भाई की है जरा बताओ ना। की आवाज प्लीज कम कीजिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, एक और ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी गरीब विरोधी, हमारी योजना से इन्हें क्यों परेशानी है। आज थोड़ी देर पहले अभी हमने अमित शाह को सुना, उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने कभी गरीबी देखी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, वो गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, वो चले गरीबी हटाने। तो क्या इस बार का घमासान अब ऐसा लग रहा है कि एजेंडा जो है वो गरीबी पर आकर केंद्रित हो गया है? देखिए शीतल जी, 2014 में ऐसे ही जुमलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश को जो है मूर्ख बनाने की कोशिश करी थी, और उसके बाद यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जय जय टीवी चैनल में बोल रहे थे कि ये तो चुनावी जुमला है, और आज फिर एक पार्टी वही काम कर रही है। मुझे भी रोहित चैनल जी की बात सुनाई पड़ रही थी कि 60 साल में गरीबी किसने करी। मैं कहता हूँ भाई, 60 साल की कब तक तुम दुहाई देते रहोगे? 60 साल जनादेश लोगों ने ही दिया था, और तुम्हारी पार्टी भी थी वहाँ पर, नहीं आ पाई। जनादेश का तो अपमान मत करो। और मोदी जी गांधी गांधी चिल्लाते हैं और गांधी जी के टिकट तो नहीं काट पाते हैं। मेनका गांधी को भी टिकट दे दिया, अरुण गांधी को भी टिकट दे दिया। तो ये सब आपसी तालमेल है, ये सब चुनाव के समय ये सब बातें चलती रहती हैं, इसका कोई अपना औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि आज भी लोगों के पास मुद्दे वही हैं, और जो हम समाजवादियों की तरीके से हम जमीन पर लड़ते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, आज किसान की बात कोई नहीं कर रहा है, ना ये डाटा दे रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं। आज कौन बात करेगा लॉ एंड ऑर्डर की? आज कोई नहीं बात करने जा रहा है। तो चुनावी मुद्दे और जुमले ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी उड़ा रही है, और देश की जनता बहुत ही शीतल जी देखो सही कहा इन्होंने, 60 साल देखिए, 60 साल में 200 से 282 पे हम लोग पहुंचे हैं, जनता के आशीर्वाद से पहुंचे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया, काम करके दिखाया है। एक बात, दूसरी बात, आपने कहा कि परिवार की गांधी परिवार के, अरे सुन लीजिए मेरे भाई, परिवार का तो आपका है, एक ही परिवार का संसद में 5 लोग बैठे हैं और वो एक ही परिवार से है, और क्या उनका सरनेम है वो देश को पता, यादव। उसके अलावा आप आज ही आपने कहा गरीबी की, अरे आप लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं, जब एनकाउंटर होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जब आप लोग के जो लोग हैं गुंडागर्दी करते हैं, समाजवादी में लोग प्रदेश में गुंडा राज होता था, हस्तक्षेप करना पड़ता है 2016 के अंदर, खनन के अंदर खनन का रेत खा गए अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और मोतिया चुरा चुरा के आप लोग गए, और आप आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, परिवारवाद जैसा है, समाजवादी पार्टी बोलने से पहले समाजवादी पार्टी जो रोहिया जी थे वो कांग्रेस के खिलाफ बने थे, कांग्रेस परिवारवाद के जातिवाद के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात है रोहिया जी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, टीम बन के आप लोग बैठे हुए हैं, ये मनुवादी लोग आप इस योजना के साथ है नहीं है ये बताइए, खामोश अवधेश जी, चल पूरा शो खत्म हो जाएगा, परिवार की बात करने परिवार परिवार खत्म हो जाएगा,
अब आप लोग बोल चुके हैं अवधेश जी, इस डिबेट वन पे आपका फाइनल कमेंट चाहती हूँ आज के लिए। ये वही राहुल गांधी की जो हम बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि गरीबी एक माइंडसेट है, आज अचानक चुनाव से पहले इनको याद आ जाती है गरीबों की। ठीक है, गरीबी अगर कम हो जाए इस देश में तो और क्या चाहिए, लेकिन जो समय है, जो टाइमिंग है, उस पर शंका सबको होती है। नहीं, केवल टाइमिंग पर देखिए, इसकी राजनीतिक इसका अर्थ है कि कांग्रेस जो है चुनावी रणनीति में भाजपा को डिफेंसिव करना चाहती थी कि हम ऐसे मुद्दे ले आए जो भाजपा जो आक्रामक है वो डिफेंसिव हो। बालाकोट के बाद एक पूरे परिदृश्य बदल गया था पूरे देश का, और अभी भी मैं मानता नहीं हूं खत्म हुआ है। जो राष्ट्रवाद का एक भाव उभरा था, भाजपा आक्रामक थी, तो ये उन्होंने इस समय तात्कालिक रूप से सोच के जो पहले जनवरी में कहा था, चुनावी घोषणा पत्र के पहले ही ले आ करके बीजेपी को एक डिफेंसिव करने की कोशिश की। कहा जाता है कि लड़ाई में अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, लेकिन मेरा अपना मानना है, जो बार बार आप क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या ये चुनावी लड़ाई गरीबी पर होगी, मेरा अपना मानना है कि गरीबी बेकारी किसी के लिए वेदना हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसको रोमांसवादी भाव, गरीबी को ग्लोरीफाई करना, उसके नाम पर नेता बनना, एक्टिविस्ट बनना, वो शराब और सिगरेट पर, वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि इस देश के जमीनी हालत बहुत कुछ बदल चुका है। कल हमने आपको बताया था कि दुनिया की मान्य संस्था जो गरीबी पर आंकड़ा देती है, वर्ल्ड लैब, वो कह रही है कि भारत जो है 2022 तक लगभग जो है गरीबी से मुक्त होगा, उसके बाद 30 लाख लोग तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, नहीं सुनिए ना, बता रहा हूँ राहुल गांधी उनके हिसाब से, और जो ब्रुकिंग्स है वो बता रहा है कि अधिकतम इस समय 190 माने 134 रुपया आधार मना ले तो अधिकतम 7,80,00,000 ही भारत में गरीब होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने जितनी तेजी से गरीबी कम किया है दुनिया के किसी देश ने नहीं किया है। तो इसलिए मेरा कहना है कि जमीनी चीजें बदल चुकी है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस अभी ईडीएम्स बदलने की स्थिति में नहीं है। गरीबी बेकारी भी मुद्दा होगा, लेकिन राष्ट्रवाद सबसे प्रबल मुद्दा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा मुद्दा है। 2014 में नरेंद्र मोदी को रोको, 2019 में नरेंद्र मोदी को बाहर करो, तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। एक मुद्दे पर चुनाव नहीं होना है। कांग्रेस चाहे कुछ और नहीं, एक लाइन अंतिम पंक्ति ये है कि राहुल गांधी ने जो ये दिया है बिल्कुल एक अनार्थिक अर्थशास्त्र विरोधी, देश की अर्थव्यवस्था को विनाश की गर्त में ले जाने वाली है। मैं निजी तौर पर और देश के सारे अर्थशास्त्रियों ने राहुल गांधी की इस योजना का विरोध किया है, और इसका विरोध हो गया। हो गया, आलोक जी इसका जवाब दीजिए फटाफट। आलोक जी इसका अंतिम कमेंट था, कैसे जवाब देंगे पहले मुझे बोलना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं शांति से बैठा था। आलोक जी, क्यों, तो पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा बोलती रहती है। अवधेश जी प्लीज, नहीं मैं बौखलाता नहीं हूँ, मेरे शब्द आप लोग मत आपस में लड़िए ना प्लीज, ये मुद्दे पे बात करिए। आलोक जी फटाफट आपके पास बचा, मेरे को आप क्यों डांटती हो, मैं तो मुद्दे पर ही बात करता हूं। अरे आलोक जी, अवधेश जी, आलोक जी फटाफट 40 सेकंड फटाफट, मुझे अगली डिबेट पे जाना है। अवधेश जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो आपने वक्तव्य दिया अभी अवधेश भाई, उस वक्तव्य से तो पूरे बीजेपी के सारे नेताओं की पोल खुल गई, अमित शाह जी की भी पोल खुल गई। आप कह रहे हैं सारी गरीबी खत्म हो गई, और ये कह रहे हैं कि गरीबी खत्म ही नहीं हुई चार पीढ़ियों से। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आपका, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था 2014 का, उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र था। मोदी जी 5 वर्षों तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात क्यों नहीं की आपने, और आज आप गरीब विरोधी क्यों हैं मोदी साहब, जरा उत्तर दे दीजिए। गरीबी देखी हो, गरीबी जी हो, हमारे मुझे केवल ये बता दीजिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में की थी, उसका क्या हुआ 5 वर्षों में, जरा इसका उत्तर दे दीजिए। और आप गरीबों के इतने विरोधी क्यों हैं? क्या की एक पंक्ति है कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं। तो पंक्ति ठीक है अवधेश भाई, मैं तो आपका बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ। आपने बीजेपी वालों की पोल खोल दी पूरी, गरीबी सारी खत्म हो गई है, बीजेपी वाले कांग्रेस कर गए हैं, वो उसमें कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूँ,
चला जाएगा। सबको मालूम है कि जो घोषणा होती है पूरी नहीं होती है। 2008 में किसानों पर 5 लाख करोड़ का लोन था, आपने 52,260 करोड़ माफ किया। अवधेश जी की और आलोक जी की आवाज कम करें, मुझे अगले मुद्दे पर बढ़ना है। इस पर चर्चा हो रही है, कल भी हमने की थी, आगे भी होगी। अगले डिबेट का रुख करते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा के टिकट काटे जाने के बाद बीजेपी ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया, तो इसी इलाके से टिकट के प्रबल दावेदार आरके सिन्हा नाराज हो गए। मंगलवार को दोपहर में पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के ही सांसद आरके सिन्हा के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा भी टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और यही वजह है कि आरके सिन्हा के समर्थकों ने रविशंकर प्रसाद के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है, आज की है। आरके सिन्हा के समर्थक रविशंकर प्रसाद के समर्थकों के साथ भिड़े। इस दौरान आरके सिन्हा के समर्थकों ने रविशंकर के समर्थकों को काले झंडे दिखाए और रविशंकर प्रसाद वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, यहां से लड़ने वाले चुनाव। पटना आगमन पर ये आज सुबह की तस्वीर थी। पटना नामांकन, ये पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनने का पहली बार आया हूँ, तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतागण, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। मैं मूलतः पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पटना में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं विद्यार्थी परिषद संघ का स्वयंसेवक बना, यहीं वकालत शुरू की, जेपी मोहन का सिपाही बना। और उधर बिहार में नवादा की जगह बेगूसराय संसदीय इलाके से क्षेत्र से लोकसभा सीट मिलने को लेकर एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला नाराजगी अपनी अब तक जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के इस फैसले से उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, उनसे बिना पूछे ही सीट बदल दी गई। बीजेपी नेतृत्व को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। सूत्रों की माने तो टिकट बंटवारा होने से पहले गिरिराज सिंह के दिल्ली के आवास पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और बिहार चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुंचे थे, लेकिन गिरिराज सिंह ने दोनों नेताओं को तवज्जो नहीं दी थी। मैं तो 1996 से बिहार में राजनीति बेगूसराय से चुनाव लड़ने के इच्छा के साथ, 2014 में मुझे अति इच्छा थी, लेकिन नेतृत्व ने बताया कि भोला बाबू नवादा के सांसद थे, लेकिन उनकी इच्छा है, सम्मानीय है, उनकी इच्छा थी कि मैं बेगूसराय से लड़ूं, और मैं बेगूसराय के बदले मुझे नवादा कहा गया। मैं नवादा लड़ा, जितना हमसे हुआ उतना वहां विकास के कामों में लगे रहे, बिना मुझसे बात किए हुए, बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए हुए। अगर ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, यही मुझे सबसे बड़ा दुख और तकलीफ दे रहा है। आपने सुना गिरिराज सिंह को, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बिहार के नवादा से टिकट न मिलने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के, उन्होंने तंज कसा है। तेजस्वी ने ट्वीट किया और लिखा, तो बीजेपी के उच्च नेतृत्व ने बिहार के नवादा में वीजा मंत्री को वीजा देने से मना कर दिया। ये गिरिराज सिंह के एक पाकिस्तान के स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने तंज कसा। उम्मीद है कि उन्हें उनके पसंदीदा पाकिस्तान का वीजा ना दिया गया होगा। उन्होंने ये ट्वीट उस ट्वीट के साथ किया है जिसमें गिरिराज सिंह की नाराजगी वाली बात कही गई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर गिरिराज सिंह पर कसा तंज, पाकिस्तानी वीजा देने वाले मंत्री को नहीं मिला नवादा का वीजा। इस पर अब बहस करते हैं। बिहार पे पहले तो महागठबंधन को लेकर कई दिन तक बवाल चलता रहा, फिलहाल अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। दूसरी तरफ ये बीजेपी के अंदर का बवाल शुरू हो गया है। मैं रोहित चहल आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सुन रहे थे अभी गिरिराज सिंह को, सीट बदलते वक्त आपने पूछा भी नहीं अपने मंत्री से, देखिए शीतल कितने हताश नजर आ रहे थे। शीतल जी देखिए, पहली बात तो देखिए, गिरिराज जी जो है हमारे बहुत सम्मानित नेता है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता है वहाँ बिहार के। पहली बात परिवार है, परिवार के अंदर अगर हमारे यहाँ तो आज़ादी है, बोल तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर तो आप देखिए ना, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। राज बब्बर जी कहाँ चले गए, अगर राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है परिवार की, जहाँ तक बात है
ठीक है, परिवार के अंदर है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि गिरिराज जी वहां से चुनाव लड़े। मैं कह रहा हूँ गिरिराज जी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, बहुत मजबूत, देखिए बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बात तो मैं बता रहा हूँ, देखिए आप देखिए ना खुश होने का नेशनल लीडरशिप से बिल्कुल नहीं है, परिवार है, लेकिन एक हमारे परिवार के अंदर वो कम से कम बोलने की आजादी तो है, वो बोल तो रहे हैं कि अपनी जो बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि मैं फिर कह रहा हूँ 40 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन एनडीए है वो जीतने जा रहा है गिरिराज, बिल्कुल। और गिरिराज जी सबसे पिछली बार से ज्यादा वोटों से, पिछली बार से ज्यादा वोटों से गिरिराज जी इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। और तेजस्वी यादव, मैं एक और कह दूं जो कि तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव जी को बिल्कुल आज चुनाव आता है तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो जाती है, बिल्कुल जो उनके समर्थक हैं, जो खास करके हमने देखा है जिस तरीके से जब पाकिस्तान जीतता है मैच के अंदर तो बिहार के कुछ क्षेत्र की बात हो गई, दूसरी पार्टी में होती तब इसका क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी तो एक परिवार है, लेकिन अगर नवादा से ऐसा बिहार, मैं बिहार का हूँ, मैं वहाँ की राजनीति, मैं गिरिराज को आज से नहीं लंबे समय से जानता हूँ, वहाँ के एक एक नेताओं को भी जानता हूं, मैं सेंटर के नेताओं को भी जानता हूं। इसमें जिस ढंग से गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है गिरिराज सिंह के टिकट में, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को तो बता सकते थे ना कि इस बार आपको बेगूसराय से लड़ना है, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमको भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय ने कहा कि हमको नवादा से ही लड़ना है, और जब टिकट घोषित हो गई तब हमको बताया जा रहा है कि आपको वहां से लड़ना है। अगर पहले से कहा जाता तो वहां से तैयारी करता वो आदमी, अगर अभी तक वो दिल्ली में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि आपकी पार्टी में गंदी राजनीति ऐसी हो रही है जानबूझ करके सीट को हारने का कुछ। पहले सुनिए सुनिए सुनिए, जो है मैं जो बोल रहा हूं मैं फिर चैलेंज करता हूं कि सच्चाई वही है। दूसरी बात, बिहार के कई नेता नहीं चाहते हैं कि गिरिराज सिंह चुनाव जीत के आए। शीतल, मैं गिरिराज सिंह के बहुत बातों से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन मैं बहुत उस आदमी का को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, इसीलिए कि वो आदमी अपने को छिपाता नहीं है। अगर वो मुसलमान विरोधी है तो कम से कम खुल के बोलता है कि हम विरोध में हैं। बहुत सारे नेता होते कुछ हैं, छिप बोलते कुछ हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी को का देश में जो एक छवि है कि उनके जब जहां उनके उनके पक्ष में भी लहर होती है, विपक्ष में भी लहर होती है, गिरिराज सिंह बिहार के अपने क्षेत्र में वही है, उनके पक्ष और विपक्ष में एक लहर होती है। तो गिरिराज सिंह इस समय केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पहचान बन के उभर रहे थे मीडिया से लेकर चारों तरफ। तो ये बिल्कुल एक पर काटने की जो राजनीति है वही हुई है। दूसरी बात की वो जिस कास्ट से आते हैं, भूमिहार कास्ट से, हाँ। वो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, काम करते रहे हैं, तो उस कास्ट में इसलिए भी नाराजगी है। अभी हमारे पास 2 मैसेज आए हैं, उस कास्ट में भी नाराजगी है कि केवल एक आदमी को आपने टिकट दिया और उसको भी उसके मन के जगह से नहीं दिया। जो मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर पटना साहिब से लड़ रहे थे, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, किसी कास्ट को ही वहां से टिकट देना क्यों जरूरी था कि आरके सिन्हा और ये रविशंकर प्रसाद लड़ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में है, आरके सिन्हा राज्यसभा में, क्या कोई तीसरा उम्मीदवार वहां नहीं हो सकता था? इस सब के संदेश बिहार में गलत जा रहे हैं। चलो, नवादा से लोजपा का कोई लेना देना नहीं था, 5 बार वहां से पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे, एक बात। दूसरी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपनी बात रखी है, बिल्कुल ठीक है। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है देखिए अगर गठबंधन हुआ है, शीतल जी देखिए अगर हम गठबंधन करते हैं तो गठबंधन में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ सीटें आती है, कुछ देनी पड़ती है। कुछ सीटें जेडीयू चाहता था, कुछ सीटें हमारी। और मैं देखिए एक बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय यह है, मैं एक और बात कह दूं, रविशंकर प्रसाद जी बहुत बड़ी तादाद से बड़ी अच्छी जीत दर्ज करा के आएंगे, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी और कांग्रेस के लोग जो ये विरोध कर रहे थे ना, ये काम नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीटें गठबंधन के अंदर जीत के आएगी और गिरिराज जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार से ज्यादा वोटों से वहां पर जीतने वाले हैं। तो जो अभी हो रहा है उसका विश्लेषण मैंने किया है, मैंने जीत का कोई टिप्पणी नहीं की। बहुत अच्छी बात यह है कि गिरिराज जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट बहुत देश में बहुत गर्म होने वाला है, एक ये चीज। दूसरा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है, और वो जहाँ से लड़ने जा रहे हैं वो सीट बहुत बुरी तरह वो जीत के आएंगे। जो लोग उनके खिलाफ जिनके बारे में प्रचार है कि कौन लड़ सकते हैं, वो जेएनयू बिग्रेड के कुछ लोग हैं जो शायद वहाँ से लड़ सकते हैं,
तो गिरिराज जी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो कह रहे थे कि मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूँगा। एक नेता का कार्यकर्ता होकर के इस तरह से बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी को अंदर से मजबूत ही करता है। उनकी शिकायत है, वो अंदर का मसला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे जरूर बात कर रहे होंगे और कोई ना कोई उनके प्रति सम्मान दे रहे हैं। पहले भी गए थे वो, हमारे परिवार के बड़े हैं और वो चीजें समझते हैं और वो चुनाव लड़ेंगे बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और मैं इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि और जगह भी प्रचार करने जाएंगे बिहार में और 40 की 40 सीटें ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो समय ज्यादा उसमें जमे देंगे, हमें सब नजर आ जाएगा। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने भी हाथ उठाया था। 23 तारीख को पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी बिहार में सारी जीतेगी। तेजस्वी पर एक बोल दूं, तेजस्वी पर एक पॉइंट में जोड़ना चाहता हूं। तेजस्वी ने जो ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव ने अपनी बहन की सीट के लिए, लालू यादव ने रामकृपाल यादव जैसे कार्यकर्ता को नकार दिया था पार्टी से, उनको जाना पड़ा और वो आज भारतीय जनता पार्टी में और वहां से जीते भी। तो तेजस्वी यादव कम से कम कार्यकर्ताओं की बात ना करें, उनकी पार्टी में कार्यकर्ताओं को फिर वही परिवारवाद वहां पर है। ये बोलूंगा तो आलोक वर्मा जी को बुरा लगेगा। दो भाई एमएलए बने और दोनों को मंत्री बनवाया, लालू यादव ने एक को उप मुख्यमंत्री बनाया, बेटी को राज्यसभा में भेजा, वो तो है ही है, इन लोगों पर क्या बात करेंगे। चलो आलोक जी देखिए, मैं समझता हूँ आरजेडी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद मुख्यमंत्री जेडीयू से बना था, ये भी नहीं भूलना चाहिए। जहां तक आज का विषय है, उसमें ऐसा लग रहा है कि रविशंकर प्रसाद जी का जिस तरह का स्वागत समारोह आज एयरपोर्ट पे हुआ है, इनका तो बैंड बज गया वहां, पटना से तो गए हैं। गिरिराज सिंह जी को मुझे लगता है कि अब जिन लोगों ने इनका टिकट काटा है जनता, और जिस तरह से तब जनता जवाब, हमारे पास जो खबरें आ रही है उसमें लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जानबूझ के गिरिराज सिंह जी का टिकट कटवाया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहला बात आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, हमारे पास ये खबरें, गठबंधन की राजनीति को नीतीश कुमार परिवार सम्मान पूर्वक चलाते हैं। एलके अडवाणी जी और मुरली मनोहर से बाहर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को, याद है हम भाई आपको विधानसभा चुनाव में कहा था दूसरे की पार्टी के बिहार में टिकट हस्तक्षेप नहीं करते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं हुई है और दो सीटों वाली जेडीयू 17 बता दीजिए, देश जानना चाहता है राहुल जी डर कर क्यों भाग रहे हैं अमेठी से, केरला पहुंच गए राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी के डर के मारे, आज राहुल गांधी अपनी राहुल गांधी का डर क्या बताता है अमेठी राहुल गांधी को नकारने जा रहा है। इस बार हार होगी राहुल गांधी के, हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं रोहित चैन। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आलोक शर्मा से, जब महागठबंधन की बात हो रही है, जिनको ये महाठगबंधन कहते आ रहे हैं और जेडीयू भी कह रही है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आलोक जी आपसे कि लालू यादव और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी राजीव गांधी ने, शायद आपको याद होगा, और अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी के चरणों में गिर गई कांग्रेस बिहार में, राज्य आपकी राज्य इकाई के लोग भी दुखी हैं। देखिए मैं समझता हूं कि कहीं पर कोई किसी तरह से किसी के चरणों में नहीं गिरा है, अगर कोई चरणों में गिरा है तो वो गिरा है जिसको अपना डीएनए पता चल गया है, चरणों में वो गिरा है जिसने 17 सीटों पर दो की जगह 17 सीटें देने का डीएनए पे जवाब दे दूं, हमारे नेता ने कभी, मुझे लगता है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए और राजनीति के समय पर जेडीयू ने सरकार छोड़ी थी आरजेडी और कांग्रेस से, लेकिन जब ये कहा गया था ये बहुत भ्रष्टाचारी, जीरो टॉलरेंस की जानना चाहता हूं पिछले 5 वर्षों में कितने भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा अपने, आपके पास उत्तर नहीं, टू जी में और तमाम लोग जो हमने जेल में डाले थे उनको आप लोगों ने पूरी तरह से बरी कर दिया। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, गिरिराज सिंह जी बेगूसराय नहीं जा रहे, मंत्री को आप जाके पीटूं क्या, उन्होंने अपने बहुत विश्वस्त व्यक्ति को कहा है कि हम क्या कहा, यहां तक का लोग मुझे राहुल गांधी से नहीं जाएंगे, उनके गोदी में घूम रहे हैं, बेगूसराय जाएंगे और उनसे हमको कहा कि राहुल गांधी हमको पाकिस्तान भेज देंगे इसलिए हम बेगूसराय नहीं जाएंगे, केजरीवाल ने दी, आप उनके गोदी में बैठने को तैयार हैं। आलोक जी की मुस्कुराहट है, मुझे लगता है गिरिराज जी कह रहे हैं हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है कि बिहार में कुछ विशेष करने जा रहे हैं, ये विश्वास सूचना से सत्य प्रकाश आलोक जी, आपको शायद याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम,
जब हरिकेश बहादुर बिहार के इंचार्ज थे, सुनिए ना, अरे जरा सुनिए, हरिकेश बहादुर बिहार के इंचार्ज थे, उन्होंने यहाँ आकर के सोनिया जी से सबसे कहा कि अगर कांग्रेस को जीवित करना है तो हमको लालू यादव से अलग होना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस को लालू खा गया है पूरी तरह खा, आपकी पूरी पार्टी को आदमी निकल गया, आप आज उसके साथ जा रहे हैं जो कांग्रेस राज करती थी, वो आज 8-9 सीट के लिए वहां लड़ रही है। क्या कांग्रेस के अंदर इतना भी नहीं आत्माभिमान बचा है कि हम अपनी बदौलत लड़के और खड़े हो, आपका नेता वहां तेजस्वी यादव हो जाता है, कांग्रेस के गांव गांव में समर्थक हैं और इसके लिए वो रोते हैं कि हमारे नेतृत्व को क्या हो गया है, समय पर कोई गलत कदम लिया गया हो। मानव जी आप दिल्ली में कर रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ देश भाई, जवाब देने में चूक रही हूँ, शिवसेना कह रही है चौकीदार चोर है, बीजेपी उनके साथ गठबंधन क्यों कर रही है, रोहित लेट्स टेक द आंसर, ये सामना कह रही है चौकीदार चोर है शिवसेना, चौकीदार चोर है का जब ट्वीट आया शीतल, तो 4 घंटे में 95,000 ट्वीट हुआ, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, रविशंकर प्रसाद जी का आपके कार्यकर्ताओं ने आपके परिवार ने बैंड क्यों बजा दिया, रीट्वीट हो गए, आज आपको क्या है, हमारा परिवार है और वहाँ पर आप ही के परिवार के लोग खड़े थे, कार्यकर्ता जो थे, तो परिवार में इतनी डिवाइड क्यों हो गया परिवार पटना का आपका, देखिए रविशंकर प्रसाद का बैंड बजा दिया आपके परिवार का, कहाँ है वो कार्यकर्ता, तो आप ही की पार्टी के थे, हमारे तो थे नहीं, आप देश का बंटाधार क्यों कर रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी हम तो कह रहे हैं वो परिवार परिवार जो आप संघ परिवार की बात कर रहे हैं, लॉन्च कर वहाँ पर बीजेपी के परिवार ने रविशंकर प्रसाद जी का बैंड क्यों बजा दिया है, परिवार का ही बंटाधार हो गया, परिवार की आंतरिक बात, तो देखिए मैं एक बात कहूंगा, नहीं मैं अभी परिवार, और गिरिराज सिंह जी, चाहे वो गिरिराज सिंह जी, मुझे केवल ये बता दीजिए बेगूसराय क्यों नहीं जा रहे, और देश की जनता, आलोक जी, जनता दल एस के साथ आपका गठबंधन हो गया और आपका नेता जाके देवेगौड़ा के खिलाफ जो है नॉमिनेशन दाखिल, चलो 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 मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा के पास चलती हूँ, हम तो केवल ये कह रहे हैं, एक सेकंड, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बात बिहार की हो रही है, वहां तो इन्होंने महागठबंधन जिसे जेडीयू महागठबंधन कह रही है वो हो गया इनका, जैसे भी हुआ जो भी हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस अकेली चल रही है, आप लड़ रहे हैं मायावती के साथ, बीएसपी के साथ, और कुछ दिन पहले हमारी डिबेट हो रही थी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वो सेंटेंस याद है जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस्तेमाल किया, उनका ये कहना था कि हम एक नए कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे सहारों की, इसीलिए उत्तर प्रदेश में वी आर ऑन आर ओन। देखिए शीतल जी, किसी भी प्रदेश की राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती है, जैसे आप बिहार की बात कर रही हैं तो राजद और जेडीयू वहाँ बड़ी पार्टी हैं, बाकी जो भी हैं वो सपोर्टिंग रोल में काम करती हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा स्टेट है, इसलिए हम एक सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, और क्योंकि हमें पता है कि हमारी लड़ाई क्या है, और ये बहुत पहले से हम लोगों ने इस पर रिहर्सल भी किया है, काम भी किया है, तो लोकतंत्र है, कोई भी आए अपनी लड़ाई लड़े, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं है, हमें अपना रक्ष पता है क्या करना है, और 74 सीटें जो ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक सीट अगर मिल जाती है तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं ले पाएंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त, चलो जवाब, आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के साथ है नहीं है तो बता दीजिए, अरे भाई आप लोग कहते ना कांग्रेस को, जेडीयू को 2 सीट पे जीती थी, उसको 20 सीट पे लड़के लड़ रहे हो बिहार में, उसकी हालात ये है, कैसी बातें करते हो आप, सोचिए बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, रोहित चहल जी बता नहीं पाए हैं कि 2 सीट जेडीयू जीती थी उसको 20 सीट दे रहे हैं, कौन सी मजबूरी हो रही है तुम्हारी, कांग्रेस से लड़े थे, जैसा कि बोल दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि वहाँ वही होता है जो नीतीश जी चाह रहे हैं, कम से कम लोहिया जी परिवारवाद के खिलाफ थे, जातिवाद के खिलाफ थे, बैकफुट में खेल रहे हो, और आपके ही लोग आपको हराएंगे, आपको आपकी पार्टी में आपके अंदर ही भीतर बात है, परेशान ना हो, तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस पार्टी
को आपने इतना भी नहीं समझा कि वो क्षेत्रीय दल होने के लायक भी उत्तर प्रदेश में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने उसकी राष्ट्रीय राजनीति में उसके सत्ता उसके नेता को नकारा है, इसके लिए आपको और मायावती जी को बहुत बहुत थैंक यू दूंगा। आपके मायावती मुझे जरूरत नहीं है, उससे कांग्रेस पार्टी और पेट दर्द बढ़ा है। 23 मई को झोला उठवाइए, मैं बता दूं आपको। और आप जो ये दो मिले कि झोला उठाए भतीजा जो मिला है चुनाव तक, 23 मई का टाइम आ गया है, भतीजे को कैसे दौड़ाएगी और भारतीय राजनीति में देखने का जो गठबंधन होता है, एक व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ एक हो जाओ, इतनी भी विषमता, आपके वोटर एक होने वाले नहीं है, बुआ भतीजा जरूर एक हो गया है, बीजेपी और जेडीयू जो एक दूसरे का डीएनए जुड़े हैं। 23 मई समाजवादी परिवार आ गई, परिवारवाद जाएगा देश में, को देश जीतेगा। अब इतना मर्जी मोदी जी का हाथ कर लीजिए, बुआ भतीजा फिर लड़ेगा, वोटर एक नहीं होगा, वोटर कभी भी एक नहीं होगा। उनकी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, मुलायम सिंह के परिवारवाद के खिलाफ मायावती की जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई है। चलो ठीक है 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 ओके, अब वापस बिहार के मुद्दे पर लौटते हैं। मैंने इसलिए आशुतोष को इन्वॉल्व किया क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े थे, तो उत्तर प्रदेश की बात और महागठबंधन की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी एक यूपी में ये कयास थे कि ये लोग इकट्ठा लड़ेंगे, लेकिन अब अलग अलग हैं। अवधेश जी, फाइनल कमेंट में लेना चाहती हूँ आपसे, इससे पहले की डिबेट खत्म करूँ। ये जो बिहार में चल रहा है, जैसे अगर बीजेपी की हम बात करें, जो आज हमने रविशंकर प्रसाद के साथ जो हुआ देखा, फिर गिरिराज सिंह की नाराजगी, शहनवाज हुसैन नाराज हैं, कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए, कीर्ति आज़ाद छोड़ गए, शत्रुघ्न सिन्हा 28 को कांग्रेस में आ रहे हैं, इसके क्या नतीजे आपको दिखते हैं बीजेपी के प्रॉस्पेक्ट्स पर? और कांग्रेस ने जो अलायंस किया है आरजेडी के साथ और अन्य के साथ, जो महागठबंधन हुआ है, इसके क्या दिखते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में? नहीं देखिए, ऐसा है कि चुनाव के पहले तो एक तो सामान्यता होता है, पार्टियों में किसी को टिकट नहीं मिला, वो विरोध करना हम लोग शुरू से देख रहे हैं, वो चलता है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ आज हवाई अड्डे पर हुआ, ये हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि एक नेता का नाम लेकर के उसको जिंदाबाद कहते हुए उनके लोग दूसरे को मुर्दाबाद कह रहे हैं, ये हमने पहली बार देखा है। तो अब इसका परिणाम क्या होगा, अभी मेरा कहना उसमें कठिन है कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि इन दोनों लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। आरके सिन्हा को तो मैं 27-28 साल से हमारे रिश्ते हैं, मैं जानता हूँ। तो पर लेकिन एक बात है कि एक असंतोष का भाव है। वैसे सत्यप्रकाश जी हमारी बात को काटेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जब गठबंधन होता है, हाँ। तो भाजपा का कोई नेता नहीं होता है, वो नीतीश कुमार ही नेता होते हैं, वो जिसको चाहेंगे जहां से वही लड़ता है। अगर वो चाहेंगे कि जनता दल यू का कोई कार्यकर्ता भाजपा से लड़ जाए, तो वो लड़ाते रहे, हम लोग देखते रहे हैं। तो इसमें ये हम मान सकते हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार तो निश्चित ही होंगे, ये होता है इसलिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता के अंदर एक जनता के अंदर इससे वोट देने का बहुत बड़ा जो है वो मन कोई बदल जाएगा, ये नहीं होने वाला है। अच्छा, क्योंकि वोट के बहुत सारे तत्व तय हो चुके हैं कि बिहार में किस आधार पर वोट तरना है। कुछ कार्यकर्ता असंतुष्ट हो सकते हैं, 1500 विरोध में जा सकते हैं, वो तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल वोट वही होगा, चाहे शहनवाज हुसैन रुष्ट रहे, गिरिराज जी रुष्ट रहे, वोटिंग पर बहुत ज्यादा इसका परिणाम नहीं है। अरे आप ही की तो बात कर दिया, दूसरी बात की जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए कांग्रेस को तो मैं बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार में अपनी बदौलत खड़ा होने की कोशिश करे। ये जो 9 सीट अभी लिए हैं, इसमें से ये 4 भी निकल जाए तो इनके लिए कठिन है, बल्कि ये 9 सीट जबरदस्ती लिए हैं, उससे महागठबंधन की सीटें घटेंगी, ये निश्चित है, ये मैं कह सकता हूं। चलो एक अध्यक्ष जी, हां फटाफट 30 सेकंड 30 सेकंड वो कांग्रेस और आरजेडी के लोग थे, ये पूरा प्लांड था किस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी रविशंकर प्रसाद जी हो चाहे गिरिराज जी हो, वो बहुत मजबूती से जीते आने हैं, पूरा गठबंधन 40 सीटों पे रोहित रोहित जी अपनी पार्टी की रक्षा कर रहे हैं, आप मानिएगा, वहां कोई भी आरजेडी और कार्यकर्ता नहीं था, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और मजबूती से खड़ा है, विरोध कर रहे थे, बिल्कुल 40 सीटें। ओके ओके, आलोक जी 30 सेकंड दे रही हूं आपको, फिर मुझे डिबेट को क्लोज करना है, आपको आपने हाथ उठाया था 30 सेकंड। देखिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना, सुपड़ा साफ तो आप लोगों का होगा, 44 पे पहुंचेंगे, राहुल गांधी भाग गए, मुझे केवल बताइए हमारे लोग के डर से अमेठी छोड़ के भाग गए राहुल गांधी, यानी बिल्ली खंबा नोचे बीजेपी के हालत, आप खुद बोलना बंद कर दे, मेरे पास वक्त हो चुका है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए आज की डिबेट में, इतना ही। आपकी राय इन दोनों मुद्दों पर, आज के दो सवालों पर क्या है, हमें जरूर ट्वीट कीजिए @jantantratv.com पर और @ShitalRajputN पर। चुनाव से जुड़ी
हर खबर हर मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस आपको मिलेगी यहीं सवाल भारत का में। देखते रहिए जनता टीवी।